डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कोमा ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। तो बहुत ही सिंपल सा ऑपरेटर है, सिंपल सी इसके ऊपर कहानी है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए और इवन आपके इंटरव्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर करके, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोमा ऑपरेटर में कॉमा तो सबको पता ही है, ये जो हम यूज करते हैं कॉमा को, ठीक है, ऐसे मतलब शेप पे मत जाना, बट यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कॉमा, ठीक है। तो ये कॉमा ऑपरेटर जो है ये दो तरीके से यूज करते हैं हम, एक तो सेपरेटर और एक हम यूज करते हैं इसको एज ए ऑपरेटर। सेपरेटर का मतलब क्या है कि जैसे दो वैल्यूज को सेपरेट करना है, दो वैल्यूज को अगर मुझे सेपरेट करना है तो एज ए सेपरेटर जो है वो यूज करते हैं, और इसको एज ए ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं। अभी आपको एग्जांपल से ना सारी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, इंट ए कॉमा बी, दो वेरिएबल ले लिए यहाँ पे मैंने, उनको इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया। ए में मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर देखो 234 और बी इज इक्वल टू 234, इस तरीके से मैंने मेंशन किया और मैंने प्रिंट ऑफ करना है ए और बी। तो देखो यहां पे जो केस वन है, ये वाले केस में देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहां पे जो इक्वल टू है और एक आपके पास कौन सा, एक तो इक्वल टू है और एक आपके पास ये ब्रेसिस है, तो इनमें से प्रायोरिटी जो है वो किसकी ज्यादा है, ब्रेसिस की। तो यानी सबसे पहले क्या होगा, इन ब्रेसिस को आपको करना पड़ेगा सॉल्व। और यहां पे मैंने क्या किया है, 2, 3 और 4 को कॉमा यहां पे बीच में सेपरेट कर दिया। तो इसमें जब भी हम इस तरीके से करेंगे यूज, तो ये एज ए ऑपरेटर यूज होगा, कॉमा एज ए ऑपरेटर यूज होगा। और जब ये एज ए ऑपरेटर यूज होगा तो इसको हमेशा लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना है, लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना है, क्योंकि इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये एक्चुअल में प्रेसिडेंस के केस में सबसे लीस्ट आता है, सबसे लीस्ट है इसकी प्रेसिडेंस, ठीक है ना, सारे ऑपरेटर्स की। तो यहां पे 2, 3 और 4 में से 4 वैल्यू जो है वो ए में असाइन हो जाएगी। सबसे राइट वाली जो वैल्यू है 2, 3 एक तरह से क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, और वैल्यू 4 जो है वो आपकी ए में चली जाएगी। और अगर हम बात करें यहां पे b इज इक्वल टू 2, 3, 4, तो इसमें यहां पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले इक्वल टू को हमें यहां पे इवेल्युएट करना है। तो इक्वल टू जैसे ही इवेल्युएट करोगे तो ये 2, 3, 4 एज ए सेपरेटर, यहां पे कॉमा एज ए सेपरेटर यूज हो रहा है, और डायरेक्ट आपकी जो 2 वैल्यू है वो b में चली जाएगी। तो इसीलिए a क्या प्रिंट करेगा 4 और b क्या प्रिंट करेगा आपका 2, ठीक है। तो बस ये छोटी सी कहानी है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कॉमा में। ऐसी एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, ए बी सी डी 4 मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए और इनको अभी मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज करने के लिए मैंने नीचे इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख दी, डी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे अगर मुझे डी की वैल्यू चेक करनी है कि क्या जाएगी, तो अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट है, लेफ्ट टू राइट इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो लेफ्ट टू राइट जब इवेल्युएट करोगे तो सबसे फाइनल ऑपरेशन कौन सा है, सबसे फाइनल ऑपरेशन ए प्लस बी प्लस सी, राइट मोस्ट कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यानी 1 + 2 = 3 + 3 = 6, तो ये 6 वैल्यूएट जो है हो जाएगा और वो वैल्यू जो है वो डी के अंदर चली जाएगी। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, लेट्स सी, अगर आप ये लिख दो डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो, लेट्स सपोज ये इक्वेशन जो है वो सबसे पहले लिख देते हो, और अगर ऐसे लिख दो तो सी की वैल्यू क्या है, 3, वही 3 वैल्यू जो है वो डी के अंदर चली जाएगी। तो राइट मोस्ट वाला जो भी है वैल्यू वो आपकी जो है वो इवेल्यूएट होती है। तो ये कॉमा ऑपरेटर के अंदर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी आपको पूछते हैं ये पॉइंट्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।